दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हो चुके हैं जिनमें सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और अब तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है। मगर अब तक विराट कोहली को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। दरअसल कोहली ने शुरुआती 2 मुकाबलों से निजी कारणों से ब्रेक लिया था और अब आखिरी 3 मैचों में उनकी वापसी पक्की मानी जा रही थी, मगर अब तक कोहली को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। शुरुआती 2 मुकाबले में कोहली की काफी कमी महसूस हुई क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के अलावा कोई भी प्लेयर दूसरे टेस्ट में खास प्रदर्शन नहीं कर सका, जबकि पहला मुकाबले में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। कोहली की जगह टीम में आए रजत पाटीदार को दूसरे टेस्ट में मौका मिला था लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे। ऐसे में दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में वापसी करते हैं या नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।